राजनीति के आंगन से जुर्म की दुनिया तक, ग्रामीण इलाकों से शहर की गलियों तक, प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से करेंगे आपको रूबरू। नमस्कार, आप देख रहे हैं वाईके सिटी न्यूज। आगरा की ताज नगरी के बिजलीगढ़ के काजीपाड़ा वार्ड 16 के लोग नाले और तालाब भरन सफाई न होने से खेती लोगों का काफी आक्रोश है। खेत के पार्षद मदमोहन कई सालों से प्रयास कर रहे हैं। सदर में भी काजीपाड़ा नाले का शिवाजी मार्केट का बजट पास करा चुके हैं, लेकिन यह दलित बस्ती है इसलिए यहाँ कार शुरू नहीं होता। अगर यह कमला नगर या बलकेश्वर होता तो यहाँ कार शुरू हो जाता। देखो, जहाँ नवीन जैन आगरा के नारे लगाए जा रहे हैं, वहीं नवीन आगरा यानी क्लीन आगरा बताया जा रहा है और एक और आगरा को स्मार्ट सिटी बनाने की कवायद चल रही है। आगरा स्मार्ट सिटी के नाम पर बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। वहीं एक और आगरा शहर का एक दूसरा नाम सामने आता है, ताज नगरी। आगरा के वार्ड नंबर 16 काजीपाड़ा क्षेत्र एवं शिवाजी मार्केट में जो 10 साल से नाला भर जाने का कारण बना हुआ है। शहर की मेन सिटी आगरा बिजलीगढ़ चौराहे, यहाँ देश विदेश से लोग आते रहते हैं। लॉकडाउन के बाद लोगों का आना भी बंद है। काजीपाड़ा वार्ड नंबर 16 के लोग नरकी जीवन जी रहे हैं। पूरे क्षेत्र में गंदगी है, इसकी ना ही सफाई हो रही है ना ही कोई सुनवाई हो रही है। पोस्टर जगह जगह पोस्टर लगे हुए हैं, नवीन आगरा क्लीन आगरा। सभी लोगों को कोविड-19 से बचाव की जानकारियां दी जा रही हैं, पर इस गंदगी से जो यहाँ क्षेत्रीय लोगों के हालात बने हुए हैं, इससे बस से बदतर जिंदगी जीने को मजबूर हैं लोग। शासन प्रशासन इसके बारे में अपनी आंखें मूंदे हुए हैं। कोविड-19 ही बीमारी है, इसी के लिए सभी कार्य करेंगे। इस गंदगी से क्षेत्रीय लोगों को जो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, छोटे बच्चे व बुजुर्ग बीमार पड़ रहे हैं, कई बड़े बड़े हादसे भी हो चुके हैं नाले में गिरने से। अक्सर ये समस्या बनी रहती है, या इन लोगों पर ध्यान देना शासन प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है। ताज नगरी आगरा के नाले का बजट पास हो गया, लेकिन कार्य शुरू नहीं हुआ है। क्षेत्र के लोगों में काफ़ी आक्रोश है। कार्य शुरू न होने से काजीपाड़ा के लोगों ने बताया, बलकेश्वर कमला नगर में विकास होता है, दलित बस्तियों में नहीं। वोट की बारी आती है तो यहाँ बड़े बड़े नेता आते हैं और वोट मांगते हैं। इलेक्शन के टाइम नेता लोग अपना वोट लेने के लिए इन रास्तों पर भटकते रहते हैं। जीत जाने के बाद वह यहाँ शकल तक नहीं दिखाते। जब हमें ज़रूरत पड़े तो हमारा नेता हमारी क्षेत्र की कोई भी समस्या को समाधान ना कर पाए तो क्या फ़ायदा है। ऐसे नेताओं को चुनकर काफ़ी आक्रोश में आकर क्षेत्र की जनता ने कहा है कि अगर जल्द से जल्द कार्य पूरा नहीं किया गया तो हम रोड जाम करेंगे। वाईके सिटी न्यूज़ से संवाददाता जीशान अहमद की खास रिपोर्ट आगरा से। देश के प्रधानमंत्री जो स्वच्छ भारत अभियान का हर वक्त जो नारा लगा रहे हैं कि स्वच्छ भारत अभियान, आप देख सकते हैं नाला काजीपाड़ा वार्ड नंबर 16 में जो ब्रजमोहन पार्षद हैं, कई सालों से इस नाले के निर्माण का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी किसी अधिकारी के ऊपर इसका कोई ध्यान नहीं है। आइए इनसे बात करते हैं, ब्रजमोहन पार्षद से क्या मामला है, क्यों क्षेत्र का काम नहीं हो पा रहा है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, जो नाले का जो इतने दिन से नाला भरा हुआ है उसके बारे में आपने कहा कोई कंप्लेन की या कुछ ऐसा बताएंगे? मैंने ढाई महीने पहले दिवाली से पहले इन नालों की सफाई के लिए लिखित में संबंधित अधिकारी और नगर पालिका लिखित में अवगत कराया। दिवाली का त्यौहार नजदीक आ गया और स्लीपर हटाकर सफाई कर दी जाए, अगर यह कार्य उस दौरान हो गया होता तो दिवाली से एक हफ्ते पहले ही जल भरा शुरू हो गया और भाई दूर से लेकर सारी जितनी भी त्यौहार अब तक निकली है दिवाली का, अब तक आप इसकी भी देख सकते हैं। मैं यहाँ रात में खुद स्वयं खड़ा हूँ मौके पर, कुछ नहीं हो पा रहा है। सारे अधिकारी इसको ध्यान नहीं दे रहे, मैं चाहूँगा जल्दी से जल्दी इसको ध्यान देकर के गंदगी से, इस गंदे जल भराव से निजात दिलाए। जैसा कि पार्षद जी से मालूम हुआ कि ढाई साल से ये प्रयास कर रहे हैं इस नाले के निर्माण का, वो आपको बता दें कि बिजलीगढ़ जो आगरे का सबसे मेन चौराहा माना जाता है, देश विदेश से भी अक्सर लोग यहाँ पर देखने को मिलते हैं, उसके बावजूद भी स्मार्ट सिटी ये घोषित की जा रही है, लेकिन दलित बस्तियों में कार्य नहीं हो पा रहा है। ये क्या वजह है जो दलित बस्तियों में काम नहीं हो पा रहे हैं? आइए और कुछ लोगों से हम बात करते हैं। सर, यहाँ से कब तक विकास क्यों नहीं हो पा रहा है, यहाँ पर कब से ये नाला भर हुआ है?
महीना भर से ज्यादा हो गया। आप कैसे हालत में? वैसे तो काफी समय से। और जो जैसे कि इतने बड़े बड़े हॉल हो रखे हैं, उसके बारे में आपने कहीं कंप्लेंट की? भाई की है, कई बार कहीं सुनवाई हुई? कोई सुनवाई नहीं। क्षेत्रीय लोगों से भी बात करने के बाद मालूम हुआ है कि कई बार लोगों ने कंप्लेंट की है, लेकिन उसके बावजूद भी कार्य शुरू नहीं हो रहा है। मैं जीशान अहमद, बाई के सिटी न्यूज, आगरा।